कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट अखिलेश यादव ने बनाया था, बीजेपी सपा के विकास कार्यों पर हक जता रही है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम अखिलेश यादव को बधाई देते हैं जिन्होंने कानपुर मेट्रो की सौगात दी थी। इस दौरान सपाइयों ने मिष्ठान का वितरण भी किया। वहीं सपा छात्र सभा ने नौबस्ता सब्जी मंडी के पास भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूका। पुतला दहन के साथ भाजपा की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। पीएम के कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेसी पीछे नहीं रहे। यूथ कांग्रेस दक्षिण जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मोदी के विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए गए। रैली स्थल से 500 मीटर की दूरी पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर उन्हें भाजपाइयों ने दौड़ा लिया। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ, उसके बाद उसका डीपीआर तैयार हुआ, उसका बजट का निर्धारण भी हुआ और उसके बाद काम भी शुरू हुआ। बजट का निर्धारण हो गया, बजट निकाला गया, डीपीआर बनाया गया, सब कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन आज जिस तरह से उसको अपना हथियार बनाया जा रहा है और एक ही योजना का दो दो बार उद्घाटन भी किया जा रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पे आके इसका पहला उद्घाटन कर गए, अब प्रधानमंत्री आए, मुझे ये जानना है किसके बाद और कितने मंत्री कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद। तो हम आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, उनका जो मिशन था कानपुर के मेट्रो सिटी बनाने का, मेट्रो देने का, आज वो पूर्ण हुआ और उसके मिष्ठान के लिए आज हम लोग मिष्ठान करा रहे हैं। आतिशबाजी भी यहाँ पे आज हम लोग समाजवादी लोग मिलकर करेंगे।